आज से लगभग 1500 साल पहले बोधि धर्म का जन्म दक्षिण भारत के पल्लव राज्य में हुआ। वह पल्लव राज्य के राजा कांचीपुरम का पुत्र थे। उन्होंने बहुत छोटी सी उम्र में राजपाट छोड़ और बुद्धिस्ट मॉन्क बन गए। सिर्फ 22 साल की उम्र में वे फुल्ली इनलाइटन आत्मज्ञानी हो गए। बोधि धर्म ने ही चीन में कुंफू की नींव रखी और बुद्ध के मार्ग को चीन में फैलाया। बोधि धर्म चीन में एक राजा से मिले। बोधि धर्म से प्रार्थना करते हुए उन्होंने कहा, आप बहुत बड़े ज्ञानी हो, मैं वर्षों से आप जैसे व्यक्ति की तलाश में था। मेरा मन बहुत ही बेचैन और तनाव में रहता है, कृपया करके मुझे बताएं कि मैं अपने मन को शांत कैसे करूं। बोधि धर्म ने कहा, आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ अपने मन को मेरे पास ले आओ। राजा कुछ समझ नहीं पाए। उन्होंने पूछा, आप क्या कहना चाहते हो? बोधि धर्म ने कहा, सुबह 4 बजे अकेले मेरे पास आना और याद रखो, अपने मन को साथ लेकर आना, मैं उसे शांत कर दूंगा। राजा पूरी रात सो नहीं पाया। रात भर यही सोचता रहा कि वह इंसान के पास सुबह 4 बजे अकेले जाना ठीक होगा कि नहीं। ऐसा तो क्या करेंगे वह मेरे मन को कि वह शांत हो जाएगा। उनके भीतर डर था, लेकिन फिर भी वह सुबह 4 बजे बोधि धर्म के पास पहुँचे, जहाँ बोधि धर्म और उनके शिष्य बैठे हुए थे। बोधि धर्म राजा को देखते हुए कहा, अच्छा तो आप आ गए, क्या आप अपने मन को साथ लाए हो? मन को साथ लाना भूले तो नहीं ना? राजा ने कहा, आप कैसी मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हो, जब मैं यहाँ हूँ तो मेरा मन भी यहाँ ही होगा ना, मेरे पास, मेरे भीतर। बोधि धर्म ने कहा, तो आप मानते हो कि आपका मन आपके भीतर है, ये पक्की बात है? राजा ने हाँ कहा। बोधि धर्म ने राजा को आंखें बंद करके अपने मन को ढूंढने के लिए कहा, और जैसे ही मन दिख जाए, तुम्हें मिल जाए, मुझे बता देना, मैं उसे शांत कर दूंगा। राजा ने आंख बंद की और मन को ढूंढने का प्रयास किया। जैसे जैसे वो मन को देखने का प्रयास कर रहे थे, वैसे वैसे उनकी जागरूकता बढ़ती गई। वह मन के प्रति होश और जागरूकता से भर गए और उन्होंने जाना कि मन तो कहीं पे है ही नहीं। मन कोई वस्तु नहीं है जिसे पकड़कर हम शांत कर सके। मन तो एक प्रक्रिया है, विचारों और भावनाओं की प्रक्रिया। अगर विचार नहीं तो मन का भी कोई भी अस्तित्व नहीं होगा। राजा ने आँख खोलकर कहा, मन कहीं भी नहीं है। बोधि धर्म ने कहा, तो मैंने उसे शांत कर दिया। अब जब भी तुम्हें बेचैनी और तनाव हो, तब सिर्फ अपने भीतर देखना। सिर्फ और सिर्फ विचार को देखने से मन खो जाएगा, क्योंकि सिर्फ देखना वह कोई विचार नहीं है, वह सिर्फ होशपूर्ण कृत्य है। जो ऊर्जा विचार बनाती थी, अब वही ऊर्जा होश या जागरूकता बनाएगी। तो अब से जब आपको भी मन बेचैन लगे, विचार रुकते ही ना हो, तब अपनी आँख बंद करें और चल रहे विचारों को देखें कि वह कहाँ घटित हो रहे हैं, विचार कहाँ से जन्म ले रहे हैं, और आप पाओगे कि आपका मन रहा ही नहीं, शांत हो गया, विचार रुक गए और आप उस शांति में आनंदित हो उठेंगे। यह अवस्था को ज़्यादा समय तक रखने के लिए रोजिंदा इसका अभ्यास करें। स्कूल, ऑफिस या घर में हो, बस या ट्रेन में ट्रैवलिंग कर रहे हो, जब भी मौका मिले यह एक्सपेरिमेंट जरूर करें और रोजिंदा करते रहें।